दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर मॉडल देख पा रहे हैं और आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल का अगर हम साइज़ की बात करें, सबसे पहले मैं बता दूं, ये 19 फीट चौड़ा है और 21 फीट लंबा है। मतलब कि 19x21 फीट में ये मकान डिजाइन किया हमने। यहाँ पर तीन फ्लोर डिजाइन किए, हालांकि लास्ट फ्लोर पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया, लेकिन दो फ्लोर आपके कम्प्लीट डिजाइन हैं 19x21 फीट में। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया। बहुत ही बेहतरीन मॉडल है और आपको यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाती हैं, आपका कंप्लीट घर है। तो इस वीडियो को आज हम डिस्कस करेंगे, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपसे गुजारिश ज़रूर करना चाहेंगे, अगर आप स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ, जिससे आप हमारी वीडियोस को देखकर रेगुलर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी वीडियो ये मैं डालता रहता हूं, जिससे आप लगातार फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलो हम पूरे मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। आज 19x21 में हमेशा की तरीके से हम इस मॉडल को पहले करते हैं आपके लिए ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जैसे करते हैं तो आपको ऊपर से नीचे तक सब कुछ दिख जाता है, सारा ट्रांसपेरेंसी में सब कुछ आपको यहाँ पर देखने वाला, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे। अब यदि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दें रिमूव, तो आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला होता है। तो इसको पूरा जो मॉडल है, तो सबसे पहले इसके हम ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चलते हैं। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं तो ये देखिएगा, फ्रंट से ये लुक ऐसा है। ये मेन डोर है, ये एक विंडो है। और टॉप व्यू की बात करें तो मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये आपका स्पेस मिलता है और ये आपकी स्टेयर्स है अंदर से चढ़ने के लिए, और ऊपर आकर बाहर आप निकल आते हैं। और सब फिर आपके पास एक बेडरूम मिलता है बड़ा सा, जिसका डोर ये है। इस डोर से एंटर करेंगे बेडरूम में, ये आपका यहाँ पीछे मैंने लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड कर दिया है। और हमारे सब्सक्राइबर जो थे, उनकी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एक स्टोर रूम नीचे मिलना चाहिए, चाहे किचन ना हो, तो मैंने इसीलिए बनाया। ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, इसको आप स्टोर रूम बना सकते हैं या आप किचन बना सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। अगर आप एक फ्लोर ही बनवाना चाहते हैं तो आपको इसको किचन बना लेना चाहिए, और ये आपका लेटरिन बाथरूम, ये स्टेयर्स और ये बेडरूम, आपका कंप्लीट मकान हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसी रिक्वायरमेंट है वो आप पर डिपेंड करता है, आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं। तो लेकिन 19x21 फीट में यहाँ पर दो बेडरूम एक साथ नहीं निकलने वाले हैं। अगर आप इसको किचन बना लें, ये लेटरिन बाथरूम बना लें, सोचिए एक बेडरूम और निकल जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि बहुत ही कम जगह है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फ्रंट की बात करें, फर्स्ट फ्लोर ऐसा है, ऐसे ऊपर आएंगे। ये मैंने 2.5 से 3 फीट का छज्जा दिया है, जिसमें आपका रेलिंग लगा दिया है, और जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं। अब मैंने ऊपर वाले फ्लोर पर लेटरिन बाथरूम तो वहीं रखा है, स्टेयर्स भी वहीं रखी, बस ये किचन को हटा कर यहाँ पर दो बेडरूम बना दिए हैं। सॉरी, जो आपका नीचे वाला फ्लोर था वहाँ को मैंने हटा दिया है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर जो हमारे सब्सक्राइबर थे, जिनके कहने पर डिज़ाइन किया, तो उन्होंने कहा था फर्स्ट फ्लोर पर दो बेडरूम चाहिए, तो आप ये वाला जो एरिया बचता है इसको आप बना सकते हैं किचन। नीचे आपका लेटरिन हो गया, स्टोर रूम हो गया। ऊपर की बात करें, किचन अभी तक नहीं था आपके घर पर, तो आप फर्स्ट फ्लोर पर आप इसको किचन दे सकते हैं, और ये आपके दो बेडरूम बन चुके हैं, आप देख पा रहे हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो आप पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये दो बेडरूम या आपका किचन, फर्स्ट वाले फ्लोर पर आपका लेटरिन बाथरूम बन चुका है और स्टोर रूम भी बन चुका है। अब अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें, तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ से बाउंड्री 3 फीट का और आपका रेलिंग, और ये आपका स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी टाइप का बना दिया, जो आप ऊपर आकर यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, ये गेट थोड़ा गड़बड़ एक तरफ लग गया है, थोड़ा गलती से इस डोर को होना चाहिए इस तरफ, क्योंकि आप उधर से चढ़ कर आएँगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर निकासी रखना चाहिए, तो ये डोर वहाँ न लगाकर यहाँ लगा होना चाहिए, ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। तो ये पूरा मॉडल था 19x21 में, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल हो गई, और अगर आपका कुछ भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट करें, और आपका कोई भी रिक्वायर्ड मॉडल है तो हमें ज़रूर बताएँ, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।